हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम न्यू डिजर्ट बनाएंगे नए साल के लिए। बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत पसंद आती है, आप नए साल पर जरूर बनाएं बच्चों के लिए। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम पहले क्रीम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मलाई ली थी, मलाई को मैंने छान लिया है छलनी में से। क्रीम की रेसिपी ऑलरेडी मैंने बिस्किट केक में बता दी है, इस रेसिपी के पीछे आप देख सकते हैं, फिर भी आज मैं दोबारा बता रही हूँ। हम इसे व्हिप करेंगे, आप स्पून की सहायता से भी कर सकते हैं। इसको हम ठीक होने तक व्हिप करते हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था, इसलिए मैंने इसके नीचे आइस नहीं रखा है। ठंडी का मौसम है इसलिए आइस की जरूरत नहीं है। इसको आप फ्रीजर में रख दीजिए, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, उसके बाद ये फेटने में आसान हो जाता है। इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ 3 छोटी चम्मच शुगर पाउडर ले रही हूँ और साथ में हम स्पेशल बना रहे हैं इसलिए हम इसमें 1 चम्मच अच्छे से भरकर मिल्क पाउडर डालेंगे और फिर इसे अच्छे से स्मूथ बनाएंगे, फेट लेंगे 1 मिनट के लिए। साथ में हम इसमें फ्लेवर दे रहे हैं वेनिला का, 1-2 बूंद इसमें हम वेनिला फ्लेवर का देंगे और अच्छे से क्रीम को फेटेंगे। देखिए काफी स्मूथ लग रही है। इसको हम हल्का कलर देंगे, इसमें मैं ग्रीन कलर डाल रही हूं, जो ये लाइट बिल्कुल ही हल्का ग्रीन कलर बनेगा। ये देखिए अब हम इसे अच्छे से फेट लेते हैं। ये देखिए हमारी क्रीम बनकर रेडी है, हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। मेरे पास यहाँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। हमने यहाँ न्यूट्री चॉइस बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मैरीगोल्ड भी ले सकते हैं। इसी साइज की हमें ब्रेड के पीसेज कर रहे हैं, ये मिल्क ब्रेड है, आप मिल्क ब्रेड लीजिए इसके लिए और दूसरी ब्रेड ना लें। इसी साइज का कोई लेंगे ढक्कन और इसी से इसकी बीच में से काट देंगे इसको। सभी ब्रेड्स को हम ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम इसको काट के रख लेते हैं। हम यहाँ बिस्किट लेंगे, हमें यहाँ 2 बिस्किट ली हैं। बिस्किट के ऊपर हम जो व्हिप्ड क्रीम तैयार की थी हमने वो लगा लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए अच्छे से फैला लेंगे, इसके ऊपर भी हम इसी तरह से फैला लेंगे। अब हम 2 बिस्किट पे हमने क्रीम लगा लिया है। थोड़े मैंने यहाँ केशू नट लिए हैं, काजू की टुकड़ी, ये डालेंगे 1 बिस्किट पे डालेंगे हम और दूसरी पे हम ये ब्रेड लगाएंगे। लगाने के बाद ब्रेड के ऊपर हम यहाँ कंडेंस मिल्क लेंगे, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे इसके ऊपर, हल्का सा ब्रेड के ऊपर। दूसरा जो बिस्किट है इसे हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से दबा देंगे। इसी तरह से हम सभी बिस्किट रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ सभी बिस्किट को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए। ये अच्छे से सेट हो जाए, क्रीम अच्छे से जम जाएगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप फुल क्रीम दूध में, ठंडे दूध में मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए, थोड़ा पाउडर शुगर, और फिर हल्का हल्का इस पर ब्रेड पे डालिए। ब्रेड आपकी मिल्क ब्रेड ही होनी चाहिए। आइए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। हमने यहाँ एक बर्तन में पानी रख लिया है, इसको हम भरेंगे नहीं, इसको आधा ही करेंगे। एक बर्तन रखेंगे इसके ऊपर जो इसको पानी को टच ना हो, ऐसा बर्तन रखेंगे, पानी को टच नहीं होना चाहिए। और ये चॉकलेट के जो हमने टुकड़े किए हैं इसको इस पर डाल देंगे
आप चॉकलेट के पीसेस करने से पहले इसे 10 से 15 मिनट के लिए बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए। अगर फ्रिज में है तो वो इजीली चॉप्ड हो जाएगी, वरना टाइम लगता है। हम इसे मेल्टेड कर लेते हैं। मेल्ट होना शुरू हो गया है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। पानी बॉइल हो चुका है नीचे, ये इजीली मेल्ट हो रहा है। इसको हम नीचे उतार के मेल्ट कर लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमें यहाँ इसने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था, बाहर निकाल लिया है। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर ले लिया है इसके ऊपर, ताकि ये छिपके नहीं, इजीली निकल जाएगा। एक बिस्किट को लेंगे हम, इसमें रखेंगे और अच्छे से इसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप को डालेंगे। अच्छे से लगाते हुए करेंगे चारों तरफ से। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी पे कोट कर लिया है। ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली थी और ये मैंने नॉर्मल चॉकलेट से करके दिखाया आपको। ये मैंने डेयरी मिल्क से किया है मेल्टेड करके। हम इसे अब 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ये 5 मिनट हो गए, हमने फ्रिज से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, ये देखिए इजिली निकल जाता है। ये देखिए कितने अच्छे बनी है ये। इसकी हम साइड से निकाल देते हैं। इसी तरह से सभी को उतार लेंगे हम। अब हम बच्चों के लिए स्पेशल स्पेस स्माइली फेस बनाएंगे। मैंने यहाँ क्रीम को एक कोन में डाल लिया है, प्लेन पाइपिंग लगाई है, उसके ऊपर हम स्माइली फेस बनाएंगे। ये देखिए, मैंने इस पर क्रीम से डेकोरेट कर दिया हैप्पी न्यू ईयर 2019 स्माइली। आइए मैं इसे एक को काट के दिखा देती हूँ आपको। हमने इसे चाकू से सावधानी से काट लिया है। आप देख सकते हैं बीच में ब्रेड की लेयर, क्रीम की लेयर और बिस्किट, तीनों की लेयर है। काफी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ना केक है, ना चोको पाई है, नया डिजर्ट है। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आने वाली डिजर्ट है। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।